होगा। मान लीजिए हम लोग एक साल डेढ़ साल से मेट हो चुका है, लेकिन कल राजनाथ सिंह न्यूज सुपर सेवन के कैमरे में आप ये जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें दरअसल कैमूर जिले के भभुआ जंक्शन से आ रही है, जहां पर कि अभ्यर्थियों द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया ऐसा जा रहा है कि पटना भभुआ इंटरसिटी में आगजनी भी कर दी गई है, जिसके बाद मौजूद सवारी जैसे तैसे जान बचा करके बाहर निकल गए हैं। ऐसा सामने आ रहा है कि जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये इसलिए है क्योंकि जो अग्निपथ योजना है, सरकार की जो योजना लाई गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि डायरेक्ट सेना में भर्ती के लिए एक योजना है जिसका नाम अग्निपथ रखा गया है। इसमें 4 साल की आपकी नौकरी होगी, संबंधित तमाम जानकारियां साझा की गई है सरकार के द्वारा। ऐसे में जब ये अभ्यर्थी को मंजूर नहीं हुआ ये चीज़, उसके बाद बिहार के अलग अलग जिलों में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आरा, बक्सर या फिर हम उत्तरी बिहार की बात करें तो बेतिया, मुजफ्फरपुर, अलग अलग जिलों में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इन अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि हमें केवल 4 साल की सेना में नौकरी नहीं चाहिए, यदि हम लोग 4 वर्ष सेना में अपना भर्ती करा भी लेते हैं तो उसके बाद 4 साल के बाद हमारा क्या होगा। जैसे कि बताया जा रहा है इस योजना के बारे में सरकार की तरफ से कि जितने भी भर्तियां इसमें होंगी उनमें से 25% ऐसे लोग होंगे जिनको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, मतलब कि जो 17 वर्ष का समय होता है, जो जॉब का ड्यूरेशन होता है मेन सेना की भर्ती में जो 17 साल की, इनमें से ही 25% लोगों को उसमें शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये योजना कहीं इन अभ्यर्थियों को मंजूर नहीं है, जिसके बाद ये सड़क पे उतर गए, रेलवे ट्रैक को जाम किया और आगजनी की भी मामला सामने आ रहा है। ये सबसे बड़ी खबर आप न्यूज़ सुपर सेवन के कैमरे में अभी देख रहे हैं, किस तरीके से अभ्यर्थी अपने बातों को रख रहे हैं और नारे लगाते हुए भारत माता की जय करते हुए सरकार को ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि नहीं, हमें ये अग्निपथ योजना मंजूर नहीं है। जैसा कि सरकार का कहना है कि यदि जो लोग इसमें भर्ती होते हैं उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस योजना में जो उम्र की सीमा है वो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना इसमें प्रतिभागी बन सकते हैं और फिर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं हम किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये अभ्यर्थी, आइए आप देखें। क्या होगा, मान लीजिए हम लोग एक साल डेढ़ साल से मेडिकल फीट है, अभी तक एग्जाम नहीं लिया और एयरफोर्स का जो रिजल्ट आया था वो कैंसिल कर दिया था। आर्मी का सी एग्जाम 1.5-2 साल से पोस्टपोन चल रहा है, 10 से 12 बार पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन कल राजनाथ सिंह और पूरा इसी सेना मामले के जानकार मिलकर कल टीओ डिलाय कर दिया और उसके अनुसार 4 साल के बाद हम लोग रिटायर कर दिया जाएगा, ना पेंशन ना कुछ, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे युवा।